बीच यहाँ पर ग्रेनेड्स का रेड टोन यहां पे बना दिया एंड ऑरेंज रॉक यहां पर ग्रेनेड्स के साथ ही फिनिश हो जाएगी इस मैच में देखते हैं कहां देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा ईस्टर्न साइड का प्लेन पाथ मुझे नजर आ रहा है शुरू होता है की तरफ जा रहा है। काफी मुश्किल होगी प्रिंस भाई पे, लाको, क्रेटर फील्ड, वो, मिनास वेले मिनास पे जाने वाली टीम्स को देख लेते हैं ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स यहाँ पर उनकी जो लूट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है श्राइडर जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे काफी ज्यादा नजदीक है लेकिन सिनर्जी सिर्फ दो ही प्लेयर्स के साथ एंड दो प्लेयर्स के साथ कोई कैसे सोच सकता है इतना बड़ा स्प्लिट लेना बिल्कुल आई थिंक आई थिंक यू नो उन्होंने सोचा नहीं था ये प्लान नहीं था अगर हम प्लेन पाथ की तरफ नजर डालें तो श्राइडर उतर के वापस पीछे जा रहे थे अपने प्लेयर के पास आई थिंक वो डीसी थे वो कुछ काम करने गए थे एंड जैसे ही वापस आए उनको पता चला कि स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे प्लेन पाथ एंड फिर वो वापस अपनी प्लेयर के पास जाने की कोशिश करते हैं उधर बात करते हैं टी एस एम एन टी जेड गॉड क्लच गॉड द टू गॉड्स ऑफ पबजी आर हेयर बिल्कुल एंड आपने जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर मेंशन uh, किया था क्लच का जो यहाँ पर uh, एक uh, बहुत ही प्यारा क्लच देखने को मिला था एस जी गॉड भी थे, थे तो प्राउड होंगे उस चीज के लिए कि जिस तरह से उन्होंने आई थिंक टीम सीक्रेट थी वहां पर उनके अगेंस्ट में उनको जिस तरह से पूरा वैनिश किया था वहां पर उस यहाँ पे हासी इंडिया दल पतरोन में यू नो गन गेम की हम बात करते हैं और ये टीम एक ऐसी टीम है जिसके सामने गन गेम इतना ऊपर लेवल पे लेके गए अपने रिएक्शन टाइम को इतना ऊपर लेवल पे के गए अपनी क्रॉस एयर प्लेसमेंट को जो भी नए लोग यहां पे देख रहे हैं जो पब्जी सीखना चाहते हैं यू कैन लर्न द क्रॉस एयर प्लेसमेंट फ्रॉम देम बिल्कुल सही कहा आपने एंड बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है हम लोग इवन हम लोग कह सकते हैं कि ये जो टीवन टीम्स है ना इनके हर एक खिलाड़ी से यहाँ पर हम लोग कुछ सीख सकते हैं अगर जैसे आपने कहा जी गॉर्ड एंड क्लसॉर्ट से हम लोग यहाँ पर उनकी क्रॉस एयर प्लेसमेंट के बारे में बात कर सकते हैं किस तरह से वो इनिशियल जो बुलेट्स है उनको यहाँ पे हेड कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं उसके अलावा बाकी जो हमारे प्लेयर्स है उनकी तरफ से यहाँ पर हम लोग जैसे मावी हो गए एक अगर कोई प्लेयर यहाँ पे चाहता है आईजीएल करना चाहता है अपने प्लेयर्स के मावी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे बेस्ट आईजीएल्स के बिल्कुल आते हैं जोन प्रोटेक्शन की बात करते हैं और यू you नो know, एक कंप्लीट आई की बात करते हैं मावी एंड घाता का आई थिंक सबसे बेस्ट आई होंगे हमारी कम्युनिटी के एंड काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उनकी तरफ से आता है बट एक चीज के लिए मैं हमेशा निराश रहूंगा पब्जी मोबाइल से ये जो गिल्लिच आते हैं ना ये मूड खराब करते हैं एंड आई थिंक हमारी जनता भी अच्छा नहीं लगता उनको भी जब ये ग्लिचेज हमें देखने को मिलते हैं पबजी मोबाइल में लेकिन आई थिंक आज सीजन 14 आए कुछ दिनों पहले अपडेट भी आया था तो उसके बाद थोड़े बड़े पैचेस डाल के आते हैं ये सब चीजें जो फिक्स हो जाती हैं लेकिन कोई बात नहीं फिलहाल यहाँ पे पढ़ते पड़ोसियों की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर लेते हैं डीटी की स्पॉट यहाँ पर आई थिंक एक प्लेयर अपना गवाते हुए एंड इनका फाइट जो है वो चल रहा है स्वैट के प्लेयर्स के साथ बिल्कुल टॉप डॉग जो है जो की पिछले मैच में आखिरी सर्कल में हमें नजर आए थे लेकिन इस वाले मैच में बहुत ही अर्ली एग्जिट यहाँ पे लेंगे एंड स्वैट यहाँ पर अपना किल अकाउंट खोलते हुए यू नो मिरामार एकदम डिफरेंट है एंगल से आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है बिल्कुल बदल जाती है बट एक चीज तो तय है शुरुआती कैजुअलिटी चाहे वो मिरामार हो सैनक हो विकेंडी हो आपको कभी भी पसंद नहीं आएगी और डाउन आई थिंक डार्क टेंजेंट की हमारी लाइन आप बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उनको एक प्लेयर खो चुके हैं टॉप डॉग जो लास्ट मैच में सेकंड प्लेस अपनी टीम के लिए लेके आए थे अभी एलिमिनेट हो चुके हैं यहाँ से मिरामार से लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर फिलहाल के लिए सर्कल के हिसाब से तो सर्कल इनके पास है इनको कहीं पर भी जाना नहीं है ज्यादातर हम लोग देखते हैं पड़ते पोस्ट पर में अगर कोई टीम होती है तो उनके पास यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हेडेक होता है कि लूट भी उठाना है सामने वाली टीम के साथ कॉन्टेस्ट भी करना है उसके बाद यहां पर अपने लिए गाड़ी ले जाके सर्कल के अंदर भी एक प्लेसमेंट जो है वो करनी है लेकिन वो हेडेक अभी इन टीमों के पास में है नहीं तो मेरे हिसाब से आराम से फाइट को टाइम दे सकते हैं लेकिन बात करें यहाँ पे स्वैट के जो काई उन्होंने स्पॉट कर लिया थोड़ा सा यहाँ पर लेट स्पॉट करेंगे लेकिन काफी हद तक डैमेज उनको लग चुका है एंड डी को यहाँ पर दूसरा नुकसान आते हुए टी को किसी भी मोमेंट पे यहाँ फिनिश कर दिया जाएगा रिवाइवल का कोई भी चांस रह, रहेगा नहीं एंड मैं क्या ये पूछना चाहूंगा आपसे आर ओ यहाँ पे करना क्या चाह रहे थे यू नो आई डों एंड आई थिंक बहुत बड़ी गलती आप उसी टाइम बोल रहे थे प्रिंस भाई के पेशेंस दिखाना चाहिए आप जोन के अंदर हैं कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है बट लास्ट गेम में भी हमने देखा था डाक टेंजन की टीम रोजा खुद से माउंटेन पर गई थी स्कूल लूटने के बाद उसी टाइम अटैक करने तो यहाँ पर भी आई थिंक सेम प्लान था उनका लास्ट टाइम इट वॉज वंडरफुल बट इस बार ये प्लान फेल होता है मुझे नज़र आ रहा है बिल्कुल फेल होता हुआ नजर आ रहा है वो खुद भी नॉक हो चुके हैं किसी भी मोमेंट पे उनको यहाँ पे फिनिश कर दिया जाएगा एंड अगर उनको बचाने की भी कोशिश की जाए तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्लेयर फंस सकता है लेकिन यहाँ पर ओपन में पकड़े जाते हुए दिवान की पोजीशन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था यहाँ पे यश को साथ ही साथ डेड को भी स्पॉट किया गया काई ओपी को भी मेरे हिसाब से काफी एक अर्ली नॉक जो है वो यहाँ पे दिया जा सकता है लेकिन यश को यहाँ पे फिनिश करने के लिए जा रहे हैं मेरे हिसाब से यश जो है पनिश कर दिए जाएंगे पूरी तरीके से साथ ही साथ यहाँ पे काईओपी का बहुत ही पैरा स्प्रे आता हुआ एंड दिवंश को भी यहाँ पे नॉक कर दिया गया साथ ही साथ यहाँ पे रेप्टर जो है उनको उठाने की कोशिश करते हुए स्वैट के ओरिजिन

अपने टीम के लिए एक साथ मिलकर अटैक किया वहां पे जो प्लेयर नॉक हुए थे उनको भी बचाया एंड आई थिंक डीटी गलती वहां पे आई नॉक प्लेयर को खत्म करने का जो लालच होता है ना प्रिंस भाई जो एक पॉइंट लेने का लालच होता है वो आई थिंक इनको यहाँ पे खत्म करने में बहुत हेल्पफुल uh, साबित हुई है इसी बीच यहाँ पे फोर्स वन के प्लेयर्स भी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत में आते हुए टीम एक्स के जो यहाँ पर प्लेयर्स हैं उन्होंने पहला किल जो है अपने यहाँ पे निकाल लिया है एंड टीम एक्स यहाँ पर तीन प्लेयर्स के साथ नजर आ रही है पिछले मैच में भी, भी तीन प्लेयर्स के साथ ही थे तो एंड मैंने कहा था कि अगर चारों प्लेयर्स के साथ आएंगे तो एक अलग टीम जो है वो देखने को मिलती है एक परफेक्ट यहाँ पे पर कॉम्पिटिशन जो है वो देखने को मिलेगा लेकिन आई थिंक हो सकता है बिल्कुल यहाँ पर कुछ काम हो उनको एंड उस वजह से यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पे एक बार सोल को मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे सोल की जो स्ट्रैटेजी है इस वाले मैच में क्या रहने वाली है बिल्कुल आई थिंक सोल के पास चलेंगे फटाफट से बट उससे पहले आई एन एस ब्रॉली यहाँ पे बहुत करीब आ चुके हैं गैलेक्सी रेसर एश उनके साथ खेल रहे हैं आई एन एस के ब्रॉली खेल रहे हैं आई थिंक नू भी खेल रहे हैं और काफी अच्छी लाइनअप यहाँ पे बट हाइड्रा के ब्लास्टिक को भी कर दिया गया चलेंगे फटाफट से यहाँ पे हाइड्रा के पास उसके बाद देखेंगे सारी टीम्स की पोजिशन बिल्कुल एंड सिनर्जी की बात की जाए सिनर्जी दो ही प्लेयर्स के साथ हैं हाइड्रा के प्लेयर्स को हम लोग देख देख सकते हैं ब्लास्टी ऑलरेडी यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं ब्लास्टी जो कि टॉप फ्रैगर थे अपनी टीम के लिए लास्ट वाले मैच में एंड अकेले जो कहते हैं ना एक वन मैन शो किसी भी टीम का यहाँ पर वो ब्लास्टी हाइड्रा के लिए यहाँ पर होते हैं लेकिन अभी इस वाले मैच में उनका एक अर्ली एलिमिनेशन देखने को मिल रहा है एंड ये चीज हमें देखने को भी मिल रही है कि जो पिछले मैच में जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इस वाले मैच में अर्ली एग्जिट नहीं है ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे यहाँ पर बिल्कुल आई थिंक सोल की तरफ से भी तीन मैन स्ट्रांग खेल रहे हैं तो आई थिंक पिकाडो नहीं गए क्योंकि उनको पता था पेकाडो में कंपटीशन होगा उनके लिए लेक्सटम की टीम वहाँ पे जाना पसंद करती है एंड इसीलिए पोजिशन चेंज करी ये डायनामिक चेंजेस आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं टीम के लिए आपको जीतना है इट डजेंट मैटर किस तरह से जीते जो अगर आप पॉइंट्स लेके जा सकते हैं पॉइंट्स टेबल में आप टॉप पर रहेंगे सही कहा आपने एंड बिल्कुल जो कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी की हम लोग बात कर रहे थे होनी बहुत ही ज़्यादा है Soul को अभी थोड़ा से पर अपनी जो कह सकते हैं रैंकिंग है उसके ऊपर यहाँ पे काम करना होगा अगर, अगर इस वाले मैच में उनको सही तरीके से यहाँ पर एक फिनिश देना है तो एंड हर मैच के बाद हमें ओवरऑल स्टैंडिंग मिलने वाली तो इससे बेहतर यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता कि हम लोग को हर मैच के बाद एक आइडिया लग जाएगा टीम्स को आइडिया लग जाएगा कि वो कहां पर स्टैंड कर रहे हैं फिलहाल के लिए बात करें सेकंड फेज यहां पे चालू हो चुका है ज्यादातर टीम जो है वो यहां पर एक रोटेशन जो है वो डालना चाहती है सांगवान को हम लोग देख सकते हैं आईजीएल कर रहे हैं यहां पर सबसे आगे नजर आ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं पे टीम सिनर्जी के प्लेयर्स को उन्होंने स्पॉट कर लिया लेकिन आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे फाइट जो है वो अवॉइड करना पसंद करेंगे मिनवाल चलते हैं फटाफट से लाइफ क्राफ्ट के पास सीनो यहाँ पे आ गए हैं रिजिस आप देख सकते हैं मेरा मार में एक नॉर्मल शो है बट एक स्प्रेडेड एरिया में आपको लाइफ क्राफ्ट की टीम नजर आ रही है एक बहुत शानदार फ्लैंक यहाँ पे सीनो की तरफ से अगर यहाँ मार्कोस गेमिंग वी एस कॉलर के दो प्लेयर निकालते हैं इस पोजिशन में से आई थिंक दैट वुड बी गोल्ड फॉर अ टीम लाइफ क्राफ्ट बट यहाँ पे स्पॉट के लिए गया है, देखते हैं नॉक कर पाते हैं अभी को नॉक कर सकते हैं दूसरी गाड़ी भी पीछे से जाती हुई एक्सी को भी नॉक कर सकते हैं आई थिंक अगर एक्स और अभी को नॉक करते हैं मुश्किलों में पड़ सकती है बट अगर नॉक नहीं कर पाए तो यहाँ पे कवर फायर आएगा ट्रेड फायर आएगा नॉक हो जाएंगे लाइफ क्राफ्ट के सीनू एंड इसी के साथ जो अच्छा फ्लैंकिंग पोजीशन थी वो अब नुकसानदेह साबित होती हुई लाइफ क्राफ्ट के लिए एंड पे के जो प्लेयर्स है जिस तरह से बाइक एंड यहाँ पर व्हीकल उठा के यहाँ पे दोनों के दोनों सीनों के सामने से निकले, को पर लेने पे किया, साथ, साथ ही किया वो एक काफी अच्छा पर देखने को ये आपस में प्लेयर्स की कि आप इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे मैं साइड से यहाँ पर एक कवर फायर दूंगा एंड उसी से आप देख सकते कितना अच्छा रिजल्ट जो है यहाँ पर एक किल के रूप में उन्होंने निकाला है बिल्कुल आई थिंक अगर एनालाइज करें उस बात को तो मे बी जो बगी थी और जो बाइक

बट यहाँ पे खत्म जो है वो किया जाएगा का, का यहाँ पर यही सीन हमें देखने को मिलता अपनी किल को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे लेकिन फिलहाल के लिए बात करें यहाँ पर यूई के जो यहाँ पे आई है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं काफी तेजी से निकलने की कोशिश करते हुए एंड बाकी तीन प्लेयर्स अपने ऑलरेडी खो चुके हैं तो सेल्स काफी ज्यादा पे पर परेशानी में होगी टीम आई को तीन कल्स मिल जाएंगे पिछले मैच में भी हमें यही देखने को मिला था कि आई ने शुरुआती तीन कल्स जो थे वो निकाले थे लेकिन एक चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा यहाँ पर इस आई के फाइट में अगर कभी भी आप आई को शुरुआती फाइट लेते हुए नजर

देखना पड़ेगा अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं भले ही इन्होंने नॉक निकाला था बट यहाँ पे अब नंबर गेम का एडवांटेज वी एस सी अपने हाथों में लेकर जाता हुआ इसी के साथ यहाँ पे शिनचैन जो रिवाइव यहाँ पे देना चाहेंगे अगर ये रिवाइव पॉसिबल हो जाता है पर एक रिवाइव होगा लेकिन फिलहाल के लिए पे सांगवान को जो है वो नॉक किया जाता टीम सोल यहाँ पे टी एस एम एन टी टी के साथ में अगेंस्ट में यहाँ पे लड़ते हुए नजर आएगी टू वर्सिस थ्री का सिचुएशन रहेगा फिर मेरे हिसाब से सोल इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं टू वर्सिस थ्री यहाँ पर इतना मुश्किल नहीं रहेगा लेकिन क्योंकि सांगवान यहाँ पे नॉक हुए तो बराबरी का सिचुएशन है लेकिन मौका है यहाँ पर अभी भी सांगवान को गेम में वापसी कराने का बिल्कुल आई थिंक बट थोड़ा सा पीछे गए हैं यहाँ पे हमारी टीम सोल देखना पड़ेगा ब्लेजी अपनी टीम को किस तरह से यहाँ पे लेके जाता है यू नो प्रेशर रहता है एक नया प्लेयर इतनी बड़ी लाइनअप में आया है उसके ऊपर प्रेशर है परफॉर्म करने का और अगर आप सामने बात करें जो टीम यहाँ पे है जेड गोड एंड क्लच गोड दे आर गोइंग टू परफॉर्म इट डजेंट मैटर वो अभी किस सिचुएशन में है अगर उनको आप सोते सोते भी पब्जी खिलाओगे दे आर गोइंग टू परफॉर्म

बट की बात करें प्रिंस भाई लास्ट गेम बहुत शानदार खेला था अभी एक नॉक निकाला है बट जोन की तरफ की रोटेशन अभी तक उन्होंने चालू नहीं करी है जितना देर लगाएंगे उतनी मुश्किलें बढ़ती रहेंगी एंड जो भी टीम जोन के एडवांटेज में रहेगी आई थिंक सबसे ज्यादा बेनिफिट उसी टीम को

जितने भी हमारे फैंस हैं, दे दे जिगल, जिगल चैट में होना चाहिए, कितना गजब का जिगल था आई थिंक बहुत कम एचपी थी उनकी एंड एक भी बुलेट पान सिंह की वापस कनेक्ट नहीं हुई दैट वाज अमेजिंग एंड बहुत कम देखने को मिलती है ये चीजें बिल्कुल एंड उनको फिनिश किया वहां पे उनकी जो गोलियां थी वो रुकी नहीं उन्होंने कहा कि जिगल करके अगर नॉक किया तो बिल्कुल फिनिश है, यहाँ पर किया जाएगा लेकिन यहाँ पे यूएमई का जो एक यहाँ पर यूएमई के ऊपर जो प्रेशर बन गया था एलिमेंट की तरफ से वो यहाँ पर थोड़ा सा रिलीज होता हुआ एंड बाकी दो प्लेयर्स को मौका मिलेगा गेम में वापसी करने का इसी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही प्यारा स्प्रे देने की कोशिश की लेकिन वहां पे एंग्रीन नॉकडाउन कर दिया गया डेल्टा पीजी की तरफ से तो चलती गाड़ी से यहाँ पे नॉकडाउन किया है हर वो चीज हमें देखने को मिल रही जो हमें किसी ऑफिशियल टूर्नामेंट में देखने को मिलता था इससे ज्यादा इंटेंस फाइट हमें देखने को नहीं मिल सकता एंड फिर

इसी बीच यहाँ पे यूएमए एंड लाइव क्राफ्ट के प्लेयर्स भी आई थिंक यहाँ पे फाइट कर रहे थे एंड यूएमए का आई थिंक एग्जिट जो है हमें देखने को मिला है एलिमिनेट यहाँ पे की है यूएमए की स्कॉट तो यहाँ पर दो साइड पे पे उनका फाइट हुआ पहले एलिमेंट के प्लेयर्स के साथ यहाँ पे दो प्लेयर्स उन्होंने यहाँ पे गवाए इसके साथ यहाँ पे लाइफ क्राफ्ट ने भी आई थिंक उनको फिनिश कर दिया पूरी तरीके से इसी बीच यहाँ पर बात करें एलिमेंट के प्लेयर्स की तो डेल्टा पीछे को यहाँ पर एक क्रुशियल रिवाइव जो है वो देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामने सेरेंज नजर आ रहे हैं साइड से आई थिंक कुछ फ्लैंकर आई थिंक हो सकता था यहाँ पर लेकिन डार्क यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है बिल्कुल आई थिंक बट सिरिंज की बात करें लास्ट प्लेयर बचे हैं अपने टीम के लिए एलिमेंट को रिवाइव होने का मौका उन्होंने दिया एंड अब एलिमेंट आई थिंक यहाँ पे अगर, अगर अटैक करेगा तो बिल्कुल खत्म कर सकता है बट एट द सेम टाइम कोई ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से सिरिंज के पास भी बिकॉज जोन आने वाला है प्रिंस भाई तीन सेकंड का समय यहाँ पे बाकी है बिल्कुल यहाँ पे देखना होगा सरेंज अकेले बचे प्लेयर हैं पूरी यहाँ पे एलिमेंट जो, जो स्क्वाड है उनको यहाँ पे पिन पॉइंट करके रखी हुई है बगी है उनके पास निकलने के लिए लेकिन बगी में से भी किस तरह से यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है यहाँ पे स्पीड पकड़ने में लेकिन डेल्टा पीछे यहाँ पर उनको फिनिश कर देंगे एडीसी के साथ यहाँ पर एक और टीम का एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता हुआ सो एट के प्लेयर्स की बात करें फोर ऑलरेडी यहाँ पर चार किल निकाल चुके हैं लेकिन एक और फोर वर्सेस फोर की फाइट में वो लोग जा सकते हैं बिल्कुल आई थिंक नेक्स्ट टर्म जो लास्ट मंच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था मिनवलटी ने यहाँ पे आई थिंक खत्म कर दिया है टीम सोल को गाड़ी ब्लास्ट में मेरा मार में हमने बहुत बार देखा है प्रिंस भाई के गाड़ी ब्लास्ट में टीम्स खत्म होती है मीनवल ऑरेंज रॉक भी यहाँ पे फाइट लेती है और बहुत लोग थे अल्ट्रकेशन यहाँ पे देखने को मिलता हुआ पुल्ण पुल्ण काफी सारी टीम्स यहाँ पे लड़ रही है एंड यहाँ पर भी एक गाड़ी ब्लास्ट जो है वो हमें देखने को मिलता हुआ लेकिन फिलहाल ऑरेंज रॉक के जो प्लेयर है दो यहाँ पे निकाल चुके हैं एंड एंड सोल ने पहले फाइट लिया था सांगवान को वहां सा खत्म किया उसके बाद भी पे इन दोनों टीमों ने एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ा एंड यहाँ पे टीएसएम एस एन टी फिनिश करते हुए टीम सोल को पूरी तरीके से तीन किल यहाँ पे उनको मिल जाएगी इसके अलावा एंटो को यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एलिमेंट के डार्क के प्लेयर्स के ऊपर यहां पर जो शॉट है लेने की कोशिश की अच्छा खासा यहाँ पे बुलेट्स भी कनेक्ट किया गाड़ी के ऊपर एंड उन्हें उतरने पर मजबूर किया क्योंकि डार्क को अच्छे से पता है कि ये यहाँ पे वो वाली गलती नहीं करनी की एक छोटा सा बिल्डिंग अगर आप यहाँ पे ओ, एरियल व्यू देखें। भाई सिर्फ एक बिल्डिंग वहां पर थोड़ी सी रेजेज हैं बट एक अकेली बिल्डिंग वहां पर एंटो वहां पे रखे हुए थे बट अब पीछे आए हैं जोन के अंदर आए हैं बट एलिमेंट के लिए मुझे काफी खराब लग रहा है क्योंकि अभी फाइट लेके आए हैं गेट हो रहे थे दोबारा अगले जोन में भी गेट की होते हैं दिख रहे हमें डेल्टा okay, पीसी के पास यहाँ पे बगी जरूर है लेकिन वो फाइट के लिए यहां पे रुकना चाहेंगे एक वन वर्सेस वन फाइट यहाँ पे देखने को मिल सकता है दलजीत एंड डेल्टा पीसी के बीच में देखना वो कौन किसको यहाँ पे नॉक करता हुआ नजर आता है एंटो ने वहां पे नॉक निकाले इसी बीच यहाँ पर आइकॉनिक भी डाउन होते हैं डार्क यहाँ पर अपनी टीम के लिए आखिरी बचे प्लेयर लेकिन आई थिंक डार्क का यहाँ पर फाइट आई थिंक उनके जो यहाँ पे राइट एंड साइड में प्लेयर है उनके साथ हो सकता है बट आई थिंक एच वहां वहाँ पे निकालना चाहते थे वोकेल बट आई एनडी कहती है यार तुम रुक जाओ थोड़ा सा वेट करो हम निकाल के जाएंगे वोकिल एंड एच बी अभी आई एन एस के आखिरी प्लेयर बसते हुए देखना पड़ेगा क्या आई एन डी यहाँ पे इनको अटैक करेगा या फिर ऑरेंज रॉक इनके ऊपर भारी पड़ेगा थोड़ा सा अगर मैं इसको एनालाइज करना चाहूँ पूरी फाइट को फिलहाल के लिए एच हाँ भी जो है पूरी तरीके से फिनिश हो जाएंगे ऑरेंज रॉक की तरफ से एंड एक और टीम का एलिमिनेशन देखने को मिलता हूँ आखिरी की बारह टीम यहाँ पे बाकी है लेकिन अगर मैं बात करूँ एलिमेंट के प्लेयर्स की दो प्लेयर्स यहाँ पर ऑरेंज रॉक के साथ फाइट ले रहे हैं एक प्लेयर बहुत ही ज्यादा दूर है तो ये आई थिंक थोड़ा सा आपको क्या लगता है स्पीरो की यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आती है कॉल्स की दिक्कत आती है आखिरी सर्कल में प्लेयर्स के बीच में यू you नो know, अभी एक्सपीरियंस बहुत बढ़ चुका है प्रिंस भाई बट इन द एंड यस प्रेशर आपके ऊपर होता है तो दिक्कतें आती हैं जब आप नर्वस होते हैं प्रिंस भाई चाहे वो कुछ भी कर रहे हो आप किसी भी स्पॉट में हो चाहे कास्टिंग कर रहे हो चाहे खेल रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो दिक्कत आपको आ सकती है आप जैसे हम कास्टिंग करते हैं ना प्रिंस भाई हम वर्ड्स गलत बोल देते हैं वैसे प्लेयर्स गलत डिसीजन ले लेते हैं एंड तब उनको उसका जुर्माना भुगतना पड़ता है बिल्कुल एंड वही चीज यहाँ पे देखने को मिली लेकिन अभी यहाँ पे देखना होगा थर्टी सेवन प्लेयर्स एंड बारह टीम है अभी भी बाकी हैं सर्कल में तीन सौ मीटर यहाँ पर अभी जाना है टीम सिनर्जी के दो प्लेयर्स भले ही थे लेकिन उसके बावजूद ये दो खिलाड़ी हम लोग देख सकते हैं किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं इनकी जो सर्वाइविंग स्किल्स है वो यहाँ पर कितनी अच्छी है एंड देखना हुआ यहाँ पर अपनी टीम सिनर्जी को कितना आगे ले जा सकते हैं हाइड्रा की स्क्वाड इनके आगे बनी हुई है ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था ब्लास्टी जो थे यहाँ पर खत्म हो चुके थे तो हाइड्रा अभी थ्री मैन स्कॉड है एंड ब्लास्टी के बिना थोड़ा सा मैं कहूंगा हाइड्रा जरूर यहाँ पर कमजोर नजर आएगी लेकिन यहाँ पे सर्कल जो है

बिल्कुल यहाँ पे जी गॉट की जो हेल्थ है वो भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कम है किसी भी मौके पे यहाँ पर एलिमिनेट होते हुए नजर आ सकते हैं ऑरेंज रॉक सर्कल के अंदर पहुंच चुके तो ऑरेंज रॉक का जो रोटेशन था काफी ज्यादा तेजी से आता हुआ काफी दूर से वो लोग सर्कल के अंदर आए हैं लेकिन कुछ टीम्स की अगर मैं बात करूँ हाइड्रा जैसी जो टीम है वो उन लोग को देखना होगा वो लोग किस तरह से सर्कल के अंदर पहुंचते हैं इसी बीच यहाँ पे स्वैट के प्लेयर जो बगी का इस्तेमाल करते हुए अंदर की तरफ जाना चाहते थे जी गॉड ने वहाँ पे स्प्रे दिया अच्छा खासा यहाँ पे लिट भी किया फिफ्टी से ज्यादा एचपी जो है वो यहाँ पर निकाल ली है इसी के साथ यहाँ स्ट्राइडर टीम एक्स के एक प्लेयर को नॉकडाउन करते हुए आई थिंक यहाँ पर भी बटोली जाएंगी बिल्कुल आई थिंक टीम एक्स के सिर्फ दो ही प्लेयर थे और तीन के लिए यहाँ पे दर्शा रहा है कि शायद टीम एक्स खत्म हो चुकी है मेरे को यहाँ पे उनका कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा एंड आई थिंक हाइड्रा भी खत्म हो चुकी है लाइफ uh, क्राफ्ट की आई थिंक वहाँ पे टीम थी जिन्होंने उनको खत्म करा सॉरी लेग स्टम्प की वहाँ पे जो टीम थी उन्होंने खत्म करा चार के लिए वहाँ पे अपने खाते में डाले दो प्लेयर खो चुकी है लेगेगेगेग स्टम्प अच्छा खासा खेल दिया पहला मैच में भी इंप्रेसिव खेली थी इस मैच में भी इंप्रेसिव लग रही है ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा टीम हाइड्रा के लिए तीन प्लेयर्स के साथ थे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे टीम जो थी वो नजर आ रही थी लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर वो लोग एलिमिनेट हो गए लेकिन अभी देखना होगा आखिरी नौ टीमों के बीच में यहाँ पे हम लोग को जो यहाँ पर फाइट है वो कैसी देखने को मिलती है एडबिट की बात करें सर्कल के अंदर आज पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं आज यहाँ पर इनकी जो, जो जोन प्रिडिक्शन है पूरी यहाँ पर ऑन पॉइंट नजर आ रही है लेकिन क्या यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल होगा एडबिट क्या एक और चिकन डिनर के लिए जा पाएगी बिल्कुल बट न्यू वो की बात करें एक गोली में उन्होंने नॉक करा ओ आर को एक गोली में नॉक करा है एनडी के प्लेयर को बट मुश्किलें यहाँ पे बढ़ चुके हैं काफी सारी टीम जोन के अंदर आना चाहती हैं सिनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी करीब आ चुके हैं एड बिट के टी एस एम एन टी जेड गोड को निकाला गेम से बाहर ऑरेंज रॉक गिल ने एंड यू नो गिल जब से ऑरेंज रॉक में आए हैं हि गेम हैज़ बिन गॉन थ्रू रूफ आई थिंक इंप्रूवमेंट की बात करते हैं आप स्किल्स की बात करते हैं आप यू नो परफॉर्मेंसिस की बात करते हैं हर गेम परफॉर्म कर रहा है ये खिलाड़ी बिल्कुल एंड इसी बीच यहाँ से स्नक पे स्नैक्स को स्वट के डेट की तरफ से यहाँ पर काउंटर फायर में नॉकडाउन किया जाता हुआ तो यहाँ पर एक ट्राय हुआ आई थिंक क्रिएट हुआ है तीन टीम से पर एक दूसरे को, को यहाँ पे क्रॉस फायर करते हुए नजर आ रही है स्नैक्स को उठाना यहाँ पर गेम में वापसी कराना एक बहुत ही बड़ी पे जिम्मेदारी होगी इसी बीच का रेड जोन यहाँ पे बना दिया एंड ऑरेंज रॉक यहाँ पर ग्रेनेड्स के साथ ही फिनिश हो जाएंगे स्वैट यहाँ पर नॉकल्स बटोरते अपनी टीम के लिए एंड ऑरेंज रॉक को एक ही झटके में यहाँ पे फिनिश कर दिया ऑरेंज रॉक को यहाँ पर मौका भी नहीं मिला किसी तरह के यहाँ पर फायर लेने का एंड

तो इसी चीज की हम बात कर रहे थे पिछले वाले मैच में भी सिनर्जी जी किसी भी मौके पे आएगी गेम जो है पलट सकती है लेकिन यहाँ पर टीम सिनर्जी जो है फिनिश हो जाएगी पूरी तरीके से ऊपर से स्पॉट कर लिया जाएगा उनको स्वैट के प्लेयर्स की तरफ से एंड डेड यहाँ पर इस समय पे स्वैट की जो स्क्वाड है वो तो चारों तरफ किल्स निकाल रही है उन्हें जहां पर भी प्लेयर दिख रहा है वो लोग यहाँ पर किल्स जो है वो निकालना चाहते हैं उमेगा को देख सकते हैं बीच में यहाँ पे नॉकडाउन नजर आ रहे हैं अक्षत के ऊपर यहाँ पे जो शॉर्ट्स है वो लिए जा रहे हैं एंड ये गाड़ियां ज्यादा देर टिकती नहीं है इसी बीच यहाँ पे क्लाउनी ने कटॉस को नॉकडाउन कर दिया गया क्लाउनी को यहाँ पर आई एडी ओपी की तरफ से नॉकडाउन किया जाता है उमेगा वहां पर फिनिश हो जाएंगे वहीं

इसी के साथ हम लोग पिछले बार बात कर रहे थे कि जो टीम थोड़ा सा नीचे रह गई है उन लोगों को यहाँ पर जो है कम uh, बैक जो है वो करना पड़ेगा एंड स्वैट का बिल्कुल कम बैक जो हमें देखने को मिलता हुआ तिहरा के लिए टीम निकाल चुके हैं सबसे बड़ी बात की कोई भी प्लेयर उन्होंने यहाँ पर गवाया है नहीं है साथ ही साथ यहाँ पर चिकन डिनर हमें देखने को मिलता हुआ एंड टीम स्वैट ये हुए ना हुए ना चिकन डिनर जो है वो लेकर जाएंगे एंड नंबर ऑफ किल्स की मैं बात करूं भर भर के टीम ने किल निकाले हैं वट अ ब्रिलियंट गेम फॉर दम अगर टोटल किल्स की बात करें प्रिंस भाई सोलह किल इन अ टूर्नामेंट सिचुएशन इनरा मार अगेंट टीम्स लाइक आई एन डी ऑरेंज रॉक एंड जो नीड्स वहां पर ऑरेंज रॉक के ऊपर डाले इन्होंने एक्यूरेसी की बात करते हैं ऑरेंज रॉक वॉज नॉट एबल टू डू एनी थिंग बिकॉज फर्स्ट गए थे एक तरफ से आई एन डी अटैक कर रहा था आपने बोला यहाँ पे एक ट्राइंगलता uh, हुआ मैं नाम देना चाहूँगा दट वॉज नॉट अ ट्राएंगल दैट वॉज अ बम्यूडर ट्राएंगल जिसमें ऑरेंज रॉक डूब गया